बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज का व्लॉग जी मैंने नाश्ते से शुरू नहीं किया, नाश्ता हम कर चुके हुए हैं और अभी जो बच्चियां हैं वो ऑनलाइन अपना सपारा पढ़ रही हैं कारी साहब से। ये दोनों माशाल्लाह सपारा पढ़ लेंगी तो फिर उसके बाद जो है आज हबीबा की डॉक्टर अपॉइंटमेंट है तो मैंने इनको वहाँ लेकर जाना है डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास, तो फिर आपसे वहाँ मुलाकात होती है। All right, stay just like that. It's just gonna go all the way around, okay? Just stay nice and still for me. Doing awesome. Good job. All done. All right, you wanna come out this way? Okay, I will be right back, okay? I'm gonna go get the doctor and let him know what's bothering her. अच्छा जी, बच्ची को मैं लेकर आई थी अभी डेंटिस्ट के पास से तो मैंने ये खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही थी तो अभी मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। असल में बच्चों के साथ इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि समटाइम्स याद भी नहीं रहता कि हमारा ये एक काम भी हमने स्टार्ट किया है, इसको भी हमने पूरा करना है। ये मिक्स दालें हैं, इसको मैंने भिगो दिया है, तकरीबन एक कप है, तो अभी मैं आपको इसका सारा प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है एक प्याज डाल के, मीडियम से थोड़ी सी बड़ी प्याज डाल के उसको भूना। उस प्याज के अंदर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के डाला। उसके बाद जब वो मसाला मेरा भून गया उसके अंदर मैंने डाली चिकन। चिकन के साथ मैंने डाला है नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ वो मैंने डाला है। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भुना वो डाला है, पिसा हुआ डाला है। और जब चिकन भुन जाएगी आपकी तकरीबन समझ लें कि 70%, फिर उसके बाद मैंने इसमें अभी दो टमाटर डाले हैं और एक हरी मिर्च डाल दी है कम में। अब मैं टमाटरों को और इसको भून रही हूँ ताकि इसका एक अच्छा सा मसाला बन जाए। और बस इसके साथ ही अब इसके अंदर हम इसको भून के जो हमारी बॉयल दालें हैं ना उसको ऐड कर देंगे और फिर इसको यकजान होने के लिए पानी डाल के रख देंगे थोड़ा, तकरीबन 10-15 मिनट दम पे। उसके बाद हरा धनिया, मिर्चें हरी कटी हुई और अदरक ये डाल के जो है गार्निश करेंगे और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इस स्टेज पे जो हमारी दालें हैं ना अब वो रेडी टू गो इन है। अब मैं दालों को इसमें ऐड करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दालें डालनी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स करते हैं, बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। आप देखिएगा ये चिकन और दाल जो है बहुत ही टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। दालें हमारी जो है 90% डन है, सिर्फ 10% रहती हैं चने की दाल जो है इसमें। तो एक बात याद रखिएगा, इस डिश में मसाला थोड़ा सा तेज़ रखें, करारा रखें तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि दालें साथ हैं फीका फीका तो चिकन का भी टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मसाला ज़रा सा अच्छा तेज़ रखिएगा, फिर आप बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, इसको हमने खाना है बॉयल राइस के साथ, तो ज़रा सा पानी जो है वो मैं एक कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक ग्लास ये वाला जो है छोटे दरमियाने साइज़ का ये पानी डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है दालें और इसका जो है ना पतला होगा, इतना ज़्यादा घना नहीं बनाना है। चले अब इस स्टेज के ऊपर जो है हम इसको रखने लगे हैं दम पे, ताकि चिकन मसाले और दालें सब एक जान हो जाएं और फिर उसके बाद जो है गार्निश करेंगे। चलो, तो मैंने चावल रख दिए उबलने के लिए और अब माने रही इसको ज़रा सालन को एक नज़र देख लें, दाल और चिकन को। ये देखें इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसको अब दम पे लगाते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए कैसी इसकी, मैं आपको पहले दिखा दूँ ज़रा सूरत हाल।
चम्मच जब चलाते हैं ना दाल, ये देखिए कैसे एक जैसा हो गया बिल्कुल, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा घना है, ये देखें बहुत माशाल्लाह अच्छे से हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम मसाला डाल के इसको हिलाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और ऐसे ही मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़, अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो शेयर कर सकूं। अच्छा जी, गरम मसाला डाल के हमने इसको जो है दो मिनट छोड़ा। अब दाल माशाल्लाह ये देखें हमारी दाल और चिकन इस स्टेज पर आ गए। अब हम इसमें डालने लगे हैं हरे मसाले, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें धनिया है कटा हुआ, हरी मिर्ची और अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम की बरकत से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार हमारा जो है दाल और चिकन तैयार हो गया। ये देखें मैं थोड़ा सा इसको चखूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार, वेरी टेस्टी। दालें गल गई हैं, चिकन ऑल कुक, या अल्लाह तेरा लाख लाख दफ़ा शुक्र है। तो खाना खाएंगे और फिर बाहर जाएंगे चाय पी के थोड़ी सी वॉक करने के लिए, और आपको भी साथ लेके चलते हैं। आजकल इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है कि आप बहुत भी ज़्यादा हो तो बच्चों को बाहर लेकर जो है वो आ जाएं गली में और ज़रा सी वॉक कर लें। ना कोई पार्क है ना कुछ है, सब कुछ बंद है, और जो खुला भी है वहाँ पे भी कोई नहीं जा रहा है इस डर से कि वहाँ भी कोई कोरोना वायरस का जो इफेक्टी है वो जाके उसने कोई टच ना कर लिया, और सब डरे हुए हैं लोग। अल्लाह ताला हम सबको, हम जहाँ कहीं भी हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है जो नहीं भी सुन रहा उसको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इस आफत से अल्लाह पाक हम सबको बचा के रखे, हमारी औलादों को, हमारे बुज़ुर्गों को, दोस्तों यारों सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बहन भाइयों को। दोस्तों इजाज़त लेती हूँ आप सब से, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।